हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर दिए हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का ये कास्टिंग यार्ड का फ्रेंड्स, जो कि ये आप जो देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है 400 टन का क्रेन है, जिससे कि यू गार्डर का लंचिंग के लिए यानी कि इरेक्शन करने के लिए लाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दो क्रेन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी इस तरह से रिलेटेड अपडेट लेकर आओ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो है क्रेन है, और इसी क्रेन के सहारे जो है यू गार्डर का लॉन्चिंग किया जाएगा, यानी कि पटना मेट्रो का फेज वन का प्रोजेक्ट का जो है यू गार्डर का लॉन्चिंग का तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं कि पटना में जो है गाड़ी आ चुकी है, क्रेन जो है 400 टन का आ चुकी है फ्रेंड्स, जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पटना मेट्रो का जो कि यू गार्डर लॉन्चिंग की जो तैयारी है, वो काफ़ी सारी इसकी जो क्रेन की जो सारी टेक्निकल इश्यूज है, उसको सारे को सॉल्व किया जाता है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस किया जाता है। उसके बाद जो इसका TPI यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद इसको इरेक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर इसको सेट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इसमें टेक्नीशियन जो हैं, जो इस क्रेन को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, जो कि इसको पूरी बारीकी से टेक्नीशियन जो है इसका रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिससे कि इरेक्शन के ड्यूरेशन में किसी तरह की चूक ना हो, ताकि घटना दुर्घटना से बचा जा सके, यानी कि इसको 00 जो है इश्यूज को सॉल्व करके ही प्रोजेक्ट पर, जब तक इसको TPI जो होती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस जो होगा, उसको पूरी तरह से ये सत्यापित कर देगा कि ये ट्रेन जो है, अब ये क्रेन जो है काम करने के लायक है, यानी कि साइट पर